हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं ये स्पेयर पार्ट लेकर आया हूँ या आप ही लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हाँ, मैं इसमें खोल के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने स्पेयर पार्ट लेकर आया है और ये पता नहीं कब निकलेगा, तो थोड़ा सा ना ये ओल्ड टाइप की दिखने लगता है। तो लोग कहते हैं कि आप पुराना सामान ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, पुराने सामान नहीं होता वो। जैसे कि ये देखिए, ये पाइप मैंने मंगाया है और ये हो गया थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आ गया कार्डबोर्ड। ठीक है, तो कार्डबोर्ड आता है। ठीक है, मैं इसको अभी खोल नहीं रहा, एक्चुअली खोलूँगा ना तो इसमें तो वो आ जाएगा, फिर धूल मिट्टी आ जाएगी, पैक करने में दिक्कत होती है। सारे को मैं पैक करके रख रहा हूँ। जैसे ये देखेंगे, ये बिपर मोटर है, वो डीसी वाली। ठीक है, और उसके बाद आपको ये मिलेगा, ये जो है सो वो गियर मोटर है। ठीक है, देखें आप, ठीक है। और आपको और भी चीज़ें मिल जाएगा, जैसे आप देखेंगे ये जो है, ये वो है, क्या बोल रहे, हीटर। ठीक है, ये हीटर है जो कंप्रेसर में लगता है, ये भी नया ही है। अब जैसे कि मुझे ना, जैसे कि मुझे ना कई बार टाइम लग जाता है ना स्पेयर पार्ट में, इसलिए मैं मंगा कर रखा हूँ। और सब लोग कहते हैं कि पुराना सामान, ऐसा कुछ नहीं, पुराना सामान नहीं है, ये सब मैंने पैक करके ही रखा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, ताकि इसमें वो नहीं आए। और इसमें जो है ना, जैसा आप ये देखेंगे तो मतलब अगर मेरे पास ओल्ड टाइम तक रहेगा ना, तो इसमें एक ना वो आ जाती है, क्या बोलता है वो, एक लेयर आ जाती है उसका, और पुराने टाइप दिखने का उस टाइप से आ जाता है वो। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, और ये बटन है, ठीक, ये भी है। ठीक है, और ये भी पंप ही है, जैसे ये पंप है उसी टाइप से पंप है एक्चुअली। ये ना पंप ना खुला हुआ आता है, तो मैं इसको पैक करके रखता हूँ। ठीक है, ये ओपन ही आता है, पंप ही ओपन आता है, तो मैं इसको वापस इसमें पैक कर देता हूँ। और फिर मैं आपको मैं नेक्स्ट डब्बा खोल कर और दिखाता हूँ। मैंने ये इसमें रख लिया वापस, क्योंकि वरना फिर काम फैल जाएगा, यहाँ पे काम फैलाना नहीं है मुझे। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा मेरा, इसलिए प्लीज़। जैसे ये हो गया, अब ये हो गया प्लास्टिक पार्ट, प्लास्टिक स्पेयर पार्ट है। ठीक है, जैसे कि हम निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली एक कंपनी का स्पेयर पार्ट है, सारे कंपनियों का, मतलब जो कॉफ़ी मशीन यूज होता है वो कंपनी होता है स्पेयर पार्ट है। विपर सील है, आप सील देखेंगे। ठीक है, जो कुछ बेस में जो लगता है सील, वो इसी है। उसके बाद वायरें हैं और चीज़ें हैं, ये जो है। ठीक है, ये स्टीम बॉक्स है। ठीक है, आजकल नया पैसा स्टीम बॉक्स आने लगा है, वो वाली है ये। ये जो है, ये बेस वगैरह है, ऐसा करके लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा सामान नहीं फैलाना चाह रहा। ठीक है, मैं रखते हैं वापस, इसे मैं रखता हूँ ये चीज़ें, और हो सकता है तो मैं बीच में कुछ वीडियो भी कट करूँगा। दूसरा डब्बा हो गया, जैसे कि आप देखेंगे ये दूसरा डब्बा हो गया, जो देखेंगे डब्बा आप, ये जो डब्बा देखेंगे ना, ये दूसरा डब्बा हो गया, और ये हो गया तीसरा डब्बा। तीसरा डब्बा में वेट वजन ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो है जरूर। सबसे पहले वही जो पंप मैंने दिखाया था, तो पंप अभी मैंने मंगा कर रख लिया कई सारे, और पता नहीं निकलेगा कब, और जब तक निकलेगा तब तक मुझे ख्याल से जो है ना ये प्लास्टिक वो येलो पड़ जाता है। ठीक है, और ये देखिए ये मोटर है, ये डीसी वाली मोटर है, ये भी मैंने मंगा लिया, जिस टाइप से मैं बोल रहा हूँ मुझे पड़ता है वो। देखिए ये जो हल्का हल्का जो है ना, जो आप देख रहे होंगे जो रेसेस है, इस तरह से पड़ जाता है वो। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने मोटर रखा हुआ है, इस पर भी एक लेयर आ जाता है जो बारीक ठक पर निकलने लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे लाइक, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप ही लोगों को वीडियो लेके आता हूँ, आप ही लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो लेके आता हूँ।
थैंक यू।